आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडलीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक, गठित की गई नई कमेटी, कहा खेल प्रतिभागियों को स्पॉन्सरशिप प्रदान करते हुए खेलों का किया जाए आयोजन, जिससे खिलाड़ियों का हो सके समग्र विकास। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, जन शिकायतों का निस्तारण प्रमुखता से करने के साथ तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर प्रधानाचार्य आईटीआई का वेतन रोकने के दिए निर्देश। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज ने पैर के ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल के कर्मचारी द्वारा 14,000 रुपए मांगने का लगाया आरोप, जबकि प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा आरोप है निराधार। मोहद्दीपुर चौराहे पर जाम की समस्या के दृष्टिगत एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण, रूट डायवर्जन सहित कुछ जगहों पर सड़क के चौड़ीकरण के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के 3 विकास खंडों के रोजगार सेवक, खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक, गांव में मनरेगा व आजीविका मिशन में रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश, कहा 19 सितंबर को आयोजित होगा कार्यशाला। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर करेत्तर व राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक, बकाया राजस्व के 100% वसूली के दिए निर्देश। SPCT के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने चेतना तिराहे पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान, यातायात के नियमों का अनुपालन न करने वालों और बिना मास्क व हेलमेट के वाहन चालकों का किया गया चालान, SPCT ने कहा कोरोना से बचाव के लिए अवश्य लगाएं मास्क। युग पुरुष दिग्विजय नाथ के स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय व्याख्यान माला का हुआ समापन, राष्ट्रवाद की अवधारणा व राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने अपने विचार, कहा युग पुरुष थे महंत दिग्विजय नाथ। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 34 केंद्रों पर 10,395 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,388 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 4,007 लोग रहे शामिल, CMO ने कहा 17 सितंबर को चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जनपद में पहुंचने पर सपाइयों ने किया भव्य स्वागत, कहा 2022 में प्रदेश में बनाएंगे सपा की सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा 18 सितंबर को निकलेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन रैली, जिला युवा अधिकारी ने दी जानकारी। स्नेहिल नारी संस्थान के तत्वावधान में लगाया गया कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप, 100 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। श्रमिक शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया संगोष्ठी, दंतोपंत ठेकड़ी श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों पर वक्ताओं ने डाला प्रकाश। गोरखपुर में गुरुवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,410, अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 15 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी कट ऑफ पर BA, BSc, बायो और BSc मैथ के साथ BCom में प्रवेश प्रक्रिया हुई प्रारंभ, पहले दिन स्नातक में 391 अभ्यर्थियों ने कराया काउंसलिंग। और जनपद की सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे, जनपद में बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या घटकर पहुंची 50 पर, ADM फाइनेंस ने कहा 1 से 2 दिन में स्थिति सामान्य होने के हैं आसार।